हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पासा मतलब डाइस के ऊपर, डाइस के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं इसका पहला पार्ट बना चुका हूं जिसमें मैंने आपका मानक पासा के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि मानक पासा पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सामान्य पासा की, मतलब पासा का सेकंड टाइप जिस पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य पासा किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं। वह पासा जिसके दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, अगर उनके सतह पर अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है तो वो कैसा होगा? आपका सामान्य पासा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि अब आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ठीक है, ये आपका सामान्य पासा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी सतह का हो, किसी भी दो सतहों का अगर योग 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा में आएगा। ठीक है, ऐसे आप यहां पर आप देख सकते हैं 4 और 3 का योग कितना होता है आपका? 7। ठीक है, ये भी सामान्य पासा का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2 और 5 का योग कितना होता है आपका? 7। ठीक है, तो ये भी सामान्य पासा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन इसमें सामान्य पासे के विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, इसमें 7 नहीं होगा विपरीत सतहों का योग। ठीक है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और इसी पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि जब दो आपको पासे दे रखे हों, ठीक है, और उसमें कोई भी फेस इक्वल ना हो, ठीक है, मतलब समान ना हो। ठीक है, कहने का मतलब जब दो स्थिति ज्ञात हो हमें और कोई भी सतह समान ना हो तब बात करते हैं। ठीक है, तो वह पासा आपका मानक पासा भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका सामान्य पासा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि उसमें कोई भी सतह आपकी समान नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें देखते हैं आप कि 1, 6, 3, ठीक है, और दूसरे में देखते हैं 2, 5, 4, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी सतह आपस में समान नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं 3, 2, 6, ठीक है, और इसमें 1, 5, 4, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोई भी सतह समान नहीं है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो विपरीत जो नंबर होते हैं, मतलब विपरीत अंक होगा, वो आपका ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। कब? जब आपका कोई भी अंक समान ना हो। तो देखते हैं, कहने का मतलब ऊपर का ऊपर, मतलब इसके विपरीत जो होगा वो ऊपर वाला। ठीक है, मतलब 1 के विपरीत कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, अब मैंने बताया कि लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का ये गया और राइट मतलब 4। ठीक है, लेफ्ट का कितना हुआ, मतलब 6 का कितना हो गया? 4। ठीक है, अब मैंने बताया फिर राइट का लेफ्ट, राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, मतलब ये दूसरे के कैसे होंगे? विपरीत होंगे, मतलब 3 का 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल इस पर। तो कंडीशन आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है कि आपका कोई भी अंक आपस में समान नहीं है। तो ऊपर का ऊपर, ठीक है, कहने का मतलब 3 का कितना हो गया 1। अब लेफ्ट का राइट, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। ठीक है, तो 2 का कितना हो गया आपका 4। ठीक है, और राइट का लेफ्ट, राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, मतलब आमने सामने हो जाएंगे, तो आपका जो हो जाएगा 6 का 5। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये रही आपकी जब आपके फेसेस जो हैं वो समान ना हो। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन कहती है कि जब जोड़ पाना संभव ना हो, मतलब कुछ संख्याएं यहां पर ऐसे दे सकती हो, ABCD दे रखी हो या कुछ चिन्ह दे रखे हो, तब अंकों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो तब क्या करते हैं? तो कंडीशन आपकी सेम यही रहती है, जैसे कि ABC है, यहां पर DEF है, तो इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसमें भी यही कंडीशन आपकी अप्लाई होती है कि ऊपर का ऊपर, ठीक है, तो मतलब A के विपरीत कौन सा हो गया आपका? D, लेफ्ट का राइट, मतलब C के विपरीत हो गया E और B का F, ठीक है, मतलब इसका राइट का लेफ्ट, तो B का कितना हो गया आपका? F। ठीक है, ये कंडीशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। अब इसमें दे रखा है हमें
इस पर आप देख सकते हैं इसके तीनों साइन और इसके तीनों साइन, तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें भी आपका सिंपल यही इसी तरीके से होगा कि ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट, ठीक है, और राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर मतलब प्लस के विपरीत क्या हो गया आपका ट्राइंगल, और भाग के विपरीत हो गया आपका जीरो, और माइनस के विपरीत हो गया आपका वर्ग, ठीक है। तो ये रही आपकी कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या, जब आपका कोई भी अंक समान ना हो। चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। तो दोस्तों ये है आपकी सेकंड कंडीशन, जब दो आपको स्थिति मतलब दे रखी हो, एक दो स्थिति दे रखी हो, और उसमें से एक फेस इज कॉमन, मतलब एक फेस कैसा हो, कॉमन हो, कह लो जब पास की दो स्थितियां ज्ञात हो और एक सतह समान हो, ठीक है। कैसे देखते हैं आप, दो चार तीन, तो देखते हैं एक दो तीन, तो इसमें आप दो और दो क्या है आपकी समान है यहां पर, ठीक है, मतलब एक फेस कैसा है आपका समान है। तो इसमें भी देखते हैं दो एक दो पांच और चार पांच छह, तो आप देख सकते हैं पांच यहां पर समान है, ठीक है। तो एक फेस इसमें कैसा है, समान है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो दोस्तों सिंपल है कि जो फेस समान हो वहां से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, ठीक है। दो से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये तीन से होके फिर किसमें जाएगा, चार में। कहने का मतलब यहां से बनेगा दो तीन और चार। अब यहां से ये समान है तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करेंगे मतलब दो के नीचे दो आएगा, फिर कितना आएगा, तीन के नीचे एक आएगा, फिर पांच आएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका निकलेगा कि यहां से देखो आपका हो गया एक के विपरीत क्या हो गया, देखेंगे एक के विपरीत कितना हो गया तीन, यहां से देखेंगे चार के विपरीत, यहां कह सकते हैं पांच के विपरीत कितना हो गया आपका चार, ठीक है। अब दो के विपरीत हमें निकालना है, ठीक है। दो के विपरीत अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, लेकिन छह नहीं है, तो दो के विपरीत कितना हो जाएगा छह, क्योंकि एक पास में छह ही अंक होते हैं। जब इसके विपरीत ये हो गया, एक के विपरीत तीन हो गया और पांच के विपरीत चार हो गया, तो रह गया कितना गया छह, तो दो के विपरीत कितना हो जाएगा छह, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं इस पर। अब इसमें आप देख रहे हैं कौन सा अंक समान है, पांच, ठीक है। तो इसमें पांच समान, तो पांच से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे घुमाया तो पांच से स्टार्ट किया तो पांच, उसके बाद कितना आया दो, उसके बाद एक, ठीक है। ऐसी तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे पांच, तो पांच क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो पहले तो पांच के नीचे पांच, उसके बाद कितना आया चार आया, उसके बाद छह आया, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अब दो के विपरीत कितना आया यहां पर चार, यहां एक के विपरीत कितना आया छह, तो हम पांच के विपरीत क्या रह गया, तो वो भी देख लेते हैं। एक है हमारे पास, दो है, तीन नहीं है इसमें, तो तीन ही आपका पांच के विपरीत हो गया, यही आंसर है इसका, ठीक है, पांच के विपरीत। अब चलते हैं इस पर एक और एग्जांपल। अब कंडीशन वही है आपकी, एक फेस बराबर होगा, तो यहां पर आप देख लेते हैं सी फेस बराबर है, देखो सी यहां पर भी और सी यहां पर भी, एक फेस बराबर है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहां से बना आपका सी ए और क्या कहते हैं बी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं तो इसमें आपका क्लॉकवाइज ये चलेगा, ठीक है। तो यहां पर सी और यहां पर डी और यहां पर ई, यहां पर आप देख लेते हैं ए के विपरीत कितना हो गया, सॉरी ए के विपरीत हो गया आपका डी, सीधे सीधे देख लेंगे, और ए के विपरीत डी और बी के विपरीत कितना हो गया आपका ई, ठीक है। अब सी रह गया, अब सी के अलावा इसमें देख लेते हैं, अब सी अब रह गया इसमें, तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेंगे। अब इसमें हो सकता है कि एफ दे रखा हो, ऑप्शन अगर आपका इनमें से मैच नहीं खाता, मतलब ए के बराबर डी और बी के बराबर ई, और मान लो कि इसमें ऑप्शन में आपका एफ दे रखा है, तो एफ ही इसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब इनसे मैच ना खा रहा हो, तो जो सबसे अलग होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका इसी तरीके का एक और है, जैसे कि अब इसमें है आपका क्या, इसमें माइनस जो है आपका समान फेस में दे रखा है, तो माइनस दे रखा है, तो माइनस से चलेंगे क्लॉकवाइज और यहां से यहां चलेंगे क्लॉकवाइज। तो माइनस के बाद क्या आया है यहां पर, माइनस के बाद आया है प्लस और प्लस के बाद भागित। इसमें माइनस के बाद क्या आया है, माइनस आ गया पहले, माइनस के बाद गुणा और उसके बाद ट्राइंगल। तो देख सकते हैं यहां से कि प्लस के विपरीत क्या हुआ, इसे सामने सामने बुलाते हैं क्रॉस, और भागित के विपरीत क्या हुआ ट्राइंगल, ठीक है। अब रह क्या गया माइनस, तो माइनस अब फिर से हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से जो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, तो देखो प्लस और एक्स तो होंगे नहीं ना, भागे तो क्या कहते हैं आपका ट्रायंगल होगा, तो इसके अलावा जो भी विपरीत बचेगा आपका, चाहे वो कुछ भी हो, तो वही इसका आंसर होगा। मान लेते हैं अगर वो आपका छोटा सर्किल होता है, ठीक है, तो वही इसका आंसर होगा माइनस का
विपरीत जो होगा वो सर्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके छह फेसेस मतलब छह फेसेस होते हैं तो हमसे चार पांच तुम्हारे पास हैं, तो जो रह जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, मतलब एक दो तीन चार, ठीक है, मतलब सॉरी एक दो तीन चार और एक पांच, जो रह जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन में देखकर सही करना होगा। ठीक है, चलते हैं एक और इसी तरीके का ये क्वेश्चन है आपका, एक बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या किसके बराबर है, तो देख लेते हैं इसमें देखते हैं आप कौन सा रंग आपका व्हाइट व्हाइट के बराबर है। ठीक है, तो व्हाइट से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, तो यहां से भी व्हाइट से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, तो यहां से देखते हैं किसके तो व्हाइट के बराबर, मतलब डब्ल्यू ले लेता हूं, डब्ल्यू फिर ब्लू और फिर ग्रीन। ठीक है, इसमें करेंगे आप डब्ल्यू मतलब व्हाइट फिर येलो और फिर ब्लैक। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमें व्हाइट के विपरीत निकालना है। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं कि ब्लैक के विपरीत क्या है, येलो। ठीक है, और ग्रीन के सॉरी यहां पर ब्लैक के ब्लू के विपरीत ब्लू है, सॉरी क्या है ब्लू, यहां पर ब्लू के विपरीत क्या है येलो और ग्रीन के विपरीत भी है ब्लैक। ठीक है, अब हमें किसके विपरीत निकालना है, व्हाइट के विपरीत निकालना है, तो आप देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो येलो किसके साथ आ गया आप ब्लू के साथ, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन किसके साथ आ गया ब्लैक के साथ, तो ये भी नहीं होगा, रह गया आपका पिंक। ठीक है, पिंक आपका ऑप्शन में दे रखा है और इसमें हमें दिख नहीं रहा है, तो अब क्या होगा व्हाइट के बराबर क्या हो जाएगा आपका पिंक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरी कंडीशन पर, तो तीसरी कंडीशन है आपकी व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, मतलब दो पोजीशन दे रखी है हमें। ठीक है, और एक दो फेसेस में टू फेसेस आर कॉमन, मतलब पासी की दो स्थितियां ज्ञात हो और दो सतह समान हो, तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फेस समान है इसमें, तो इसमें दो के दो बराबर है और चार के चार बराबर है, जो रह जाता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, मतलब दो दो हो गया चार चार हो गया, तो इसके विपरीत क्या रहेगा तीन के विपरीत छह। ठीक है, ये सीधा सीधा आंसर हो जाता है इसमें, बहुत इजी है। इसी तरीके से इसे देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है आपका, बी भी बराबर है और आपका सी बराबर है, तो ए के बराबर डायरेक्ट सीधा आपका विपरीत निकल आएगा ए के विपरीत डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, तो ये है दोस्तों आपकी कंडीशन फोर। ठीक है, अब इसमें आपको जो स्थितियां दे रखी होंगी वो तीन मतलब दो या दो से अधिक दे रखी होंगी, मतलब दो से अधिक दे रखी होंगी आपकी, जब तीन से अधिक स्थितियां हमें ज्ञात हों। ठीक है, ऐसे कैसे इसे कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें पीछे वाले रूल हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कंडीशन आपकी सेकेंड जिसमें हमारा एक फेज क्या होता है कॉमन होता है। ठीक है, और दूसरे में कंडीशन थर्ड में जिसमें हमारे दो फेज कॉमन होते हैं, मतलब इसमें एक फेज कॉमन होता है। ठीक है, और इसमें दो फेज कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में स्थितियां बाद वाली जो स्थिति थी कंडीशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड हमें याद रखनी है, उसी के अनुसार इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसे सॉल्व, तो पहले में मान लेते हैं ये ए है जो बी है और जो सी है और ये डी है, तो पहले में हम चेक कर, तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें दो पॉइंट इसमें कॉमन है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, पांच हो गया और एक हो गया। ठीक है, पांच हो गया और एक हो गया, तो इस टाइप की कंडीशन कौन सी होगी आपकी थर्ड, जब दो फेज समान होते हैं तो जो रह जाता है वो उसी के बराबर हो जाता है, तो रह कौन सा गया आपका दो के बराबर छह, तो इसमें यहां पर आंसर आएगा दो के विपरीत क्या हो गया छह, मतलब दो के विपरीत छह आ गया। इसी तरीके से अब एक और कंडीशन देख लेते हैं हम, अब देख लेते हैं अब इसमें देख लेते हैं ये कंडीशन किस किस में हो गया, ए और बी में हमने तुलना की तो हमारा निकला दो के बराबर छह। अब इसमें देख लेते हैं हम, अब यहां पर कौन कौन से फेसेस आपके देख ले समान है, छह है और ये पांच है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी दो फेस आपके समान है, तो कौन सा बराबर होगा एक के बराबर चार। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये किससे हुआ हमारा, बी और सी से। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक फेस समान है, यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हो इसमें, क्योंकि अंक तो आपके छह ही होंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। ठीक है, छह ही अंक होंगे, तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है, एक भी है दो भी है तीन भी है चार भी है पांच नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो पांच हो जाएगा। एक तरीका तो यह है, वरना आप तुलना कर सकते करके देख सकते हैं, तो चार समान है तो पांच के बराबर तीन यहां से दिख जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां से चार चार तो पांच के बराबर तीन आ जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पर, तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कोई सतह आपकी बराबर है, तो हाँ देखते हैं पहले में क्या है बराबर आपका के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बस में कंडीशन देखेंगे कौन कौन सी लग जाती हैं, तो के क्लॉकवाइज घुमाया हमने, तो यहां से निकालेंगे के बी
और ए, मतलब मैंने ए वाले से किया है, ये बी है और ये सी है, तो के उसके बाद बी और ए, मतलब क्लॉकवाइज माया, के बाद बी, बी के बाद ए, इसके बाद यहां से के बाद क्या आएगा, के का के, फिर एम आएगा इसके नीचे, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं ए के विपरीत क्या आया एच, और बी के विपरीत क्या आया एम, रह गया आपका के। तो के कैसे निकालेंगे अब, ठीक है, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों में देखते हैं बी और सी में, ये किससे निकला आपका ए और बी से, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं हमें के का मान निकालना है, तो के निकालने के लिए इसमें देखते हैं कौन सा फेज आपका समान है, तो इसमें एच समान है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं बी और सी की, ठीक है, बी और सी में हम देख रहे हैं एच समान है, तो एच के क्लॉकवाइज, मतलब यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे यहां, और यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे यहां, ठीक है। तो एच, एच के बाद क्या आ जाएगा आपका के, उसके बाद एम, ठीक है, उसके बाद यहां से चलेंगे एच के, एच का एच, और फिर चला जाएगा आपका के पी और फिर बी, ठीक है। तो यहां से के का मान कितना आया पी का, मतलब के विपरीत क्या आ गया पी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट टू, अब इसके हम पार्ट थ्री में मिलेंगे, जिसमें हम ओपन डाइस की बात करेंगे, ठीक है, पासे को खोलकर कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसमें ट्रिक, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, पहली कंडीशन में आपको जब तीनों फेस अलग अलग हो तो ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ठीक है। कंडीशन सेकंड में जब आपका एक फेस समान हो तो वही उसी वहीं से लेकर आपका क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाने पर जो सामने आता है वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और कंडीशन थर्ड में आपका जब आपके दो फेस समान हो, ठीक है, तब दो फेस समान हो जो रह जाता है वो सामने वाले के विपरीत हो जाता है। और कंडीशन फोर्थ में जब आपकी चार से अधिक, मतलब तीन से अधिक स्थितियां दे रखी हो, ठीक है, तब क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसमें कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड उसमें काम करती है, कंडीशन फोर्थ में, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसे मैं पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आज तक कोई क्वेश्चन रुका नहीं है, आप हर आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, पार्ट थर्ड में, जिसमें हम ओपन पासा के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।